हाय एंड वेलकम टू मुंशीगिरी डॉट कॉम। इस ट्यूटोरियल में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि आपका ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड कैश का क्या फ्लो है। तो अब बात ये आती है कि कैश का फ्लो जानना ज़रूरी क्यों है। देखिए, आपको पता है कि कैश बिजनेस का सबसे लिक्विड एसेट है और ये आपके बिजनेस ऑपरेशंस के लिए लाइफ ब्लड है। अगर आपके पास बिजनेस में सफिशियंट अमाउंट ऑफ कैश नहीं होगा तो आप अपने एम्प्लॉयज़ की, क्रेडिटर्स की, टैक्सेस की, डिविडेंड की या एक्सपेंसेस की पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है कि कंपनी के पास एसेट्स की या इन्वेस्टमेंट्स की कमी ना हो, पर फिर भी बिजनेस के पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो ये था कैश एक बिजनेस में होना क्यों ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि कैश फ्लो क्या है। कैश फ्लो, कैश इनफ्लो भी हो सकता है और आपका कैश आउटफ्लो भी हो सकता है। कैश इनफ्लो मतलब रिसीट ऑफ कैश, मतलब वो ट्रांजैक्शंस जो कैश के बैलेंस को इंक्रीज करती हैं उनको आप बोलोगे रिसीट ऑफ कैश या कैश इनफ्लो। वो ट्रांजैक्शंस जो कैश के बैलेंस को डिक्रीज करती हैं उनको आप बोलोगे कैश आउटफ्लो या फिर पेमेंट्स ऑफ कैश। अब बात आती है, हमने बोला रिसीट ऑफ कैश या पेमेंट ऑफ कैश, कैश का क्या मतलब है? कैश इंक्लूड्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, दो चीजें आई यहां पे। ये नहीं बताया गया कि कैश में क्या क्या आइटम है, बोला गया कैश इंक्लूड्स एक तो कैश और दूसरा कैश इक्विवेलेंस। तो अब देखते हैं कैश क्या है एंड कैश इक्विवेलेंस क्या है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कैश। कैश इंक्लूड्स कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। एंड कैश इक्विवेलेंस के अंदर क्या क्या आता है? एक टर्म आई यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट्स, वो भी करेंगे क्या है। पहले कैश इक्विवेलेंस देखते हैं। अब हम ये सेकेंड वाला पोर्शन इसका देख रहे हैं। देखिए, एक एसेट को कैश इक्विवेलेंट कब बोला जाएगा? जब वो दो कंडीशंस सेटिस्फाई करता है तब उसको बोला जाएगा कि ये कैश इक्विवेलेंट है। कौन सी दो कंडीशंस? पहली कंडीशन तो ये कि वो शॉर्ट टर्म और हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जो रेडिली कैश के अंदर कन्वर्ट हो सके। रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश मतलब जब चाहो तब कैश के अंदर वो कन्वर्ट हो सके। और दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, कन्वर्जन इनटू कैश इज सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क इन चेंजेस इन वैल्यू। मतलब कन्वर्जन कराने में उसका कैश का सिग्निफिकेंट पार्ट लूज ना हो, उसकी वैल्यू कम ना हो, तब आप बोलोगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कैश इक्विवेलेंट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब वो इन्वेस्टमेंट जिसकी मैच्योरिटी 3 महीने या 3 महीने से कम की है, मतलब जिस डेट पे आपने एसेट को एक्वायर किया 3 महीने के अंदर अंदर वो मैच्योर हो जाएगी, उसको आप बोलते हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो कैश इक्विवेलेंट और देख लेते हैं। एन एसेट कैन बी कॉल्ड एज कैश इक्विवेलेंट व्हेन इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग कंडीशंस।
तो पहली कंडीशन है इसके अंदर शॉर्ट टर्म हो एंड हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। Which are readily convertible into cash. And जब आप convert करवाओ तो उसका significant value lose नहीं होना चाहिए। Conversion into cash is subject to insignificant risk of changes in value, मतलब that is insignificant loss due to conversion. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप किसे बोलेंगे जिसकी मैच्योरिटी 3 महीने या 3 महीने से कम की है। सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट विच हैज अ मैच्योरिटी of 3 months or less from the date of acquisition. एक और टर्म आई थी हमारे पास डिमांड डिपॉजिट्स, जिसको हमने डिस्कस अभी नहीं किया। डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, इसका क्या मतलब है? ऐसे डिपॉजिट्स, बैंक के पास आपने डिपॉजिट कर रखा है, ऐसे डिपॉजिट्स जिनको बिना प्रायर नोटिस के आप विड्रॉ कर सकते हैं, और बिना प्रायर नोटिस के विड्रॉ करने पे कोई भी पेनल्टी चार्जेस आपके ऊपर इम्पोज नहीं किए जाएंगे। डिमांड, नाम से पता चल रहा है, डिमांड डिपॉजिट्स, ऐसे डिपॉजिट्स उनको जब आप डिमांड करना चाहो, डिमांड बैक करना चाहो तब आप कर सकते हो, मतलब जब मर्जी विड्रॉ करना चाहो तब आप कर सकते हो बिना प्रायर नोटिस के, और इसमें कोई भी पेनल्टी चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, जनरली आपके जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स आपके बैंक में जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते हैं, और बिना पेनल्टी के उनको विड्रॉ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उसको आप एज अ कैश क्लासिफाई नहीं कर सकते। डिमांड डिपॉजिट्स तो कौन से डिपॉजिट्स होंगे? आपके शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स जो होते हैं बैंक में, और जिनको बिना प्रायर नोटिस के विड्रॉ किया जा सके, उन्हें आप बोलेंगे डिमांड डिपॉजिट्स। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कैश इक्विवेलेंट के। फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज having a maturity of 3 months from date of acquisition. Of 3 months or less from the date of acquisition. अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि क्या प्रेफरेंस शेयर्स कैश इक्विवेलेंट हो सकते हैं? इसका जवाब ये है, दो कंडीशंस हैं। देखिए, एक तो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी होनी चाहिए, राइट, और दूसरा इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू होना चाहिए। तो प्रेफरेंस शेयर्स कैश इक्विवेलेंट तब हो सकते हैं जब एंटिटी ने रिडेम्पशन डेट से ठीक 3 महीने पहले या 3 महीने से भी कम पीरियड पहले उसको एक्वायर किया है।
पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि इस चीज़ का रिस्क बिल्कुल ना के बराबर हो कि कंपनी मैच्योरिटी पे पैसा रीपे नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल ज़ीरो रिस्क होना चाहिए कंपनी के फेलियर का। तो इन दो केसेस के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स कैश इक्विवेलेंट आपके हो सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे टेकअप करते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स कैश इक्विवेलेंट हो सकते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो लिस्टेड हैं आपके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, क्या आप उनको कैश इक्विवेलेंट बोल सकते हो। देखिए क्या कंडीशन है, दो कंडीशन है आपकी कैश इक्विवेलेंट की। पहला शॉर्ट टर्म जो रेडिली कैश के अंदर कन्वर्ट हो सके, और दूसरा इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू। तो आपका इक्विटी शेयर्स जो है पहली कंडीशन को तो मीट करता है कि वो हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हैं, राइट, लिस्टेड हैं, तो बहुत ही लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं वो। दूसरी कंडीशन है कि इनसिग्निफिकेंट रिस्क होना चाहिए, पर इक्विटी शेयर्स के अंदर तो बहुत हाई सिग्निफिकेंट रिस्क होता है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है क्योंकि वैल्यू ऑफ शेयर्स बहुत ही फ्रिक्वेंटली फ्लक्चुएट करती है, राइट। तो इस केस में आप इक्विटी शेयर्स को कैश इक्विवेलेंट ट्रीट नहीं कर सकते। बट ऊपर जो हमने प्रेफरेंस शेयर्स का केस किया था, प्रेफरेंस शेयर्स को आप कैश इक्विवेलेंट ट्रीट कर सकते हैं अगर दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं तो। यहाँ हमने कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की बात की थी, तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कैश इनफ्लो मतलब आपका कैश रिसीव हो रहा है, जैसे कि अगर आपने गुड्स सेल करी हैं कैश में तो वो कैश इनफ्लो हो गया। आपको ट्रेड डेटर्स से कैश रिसीव हो रहा है, आपको कमीशन या रॉयल्टी के फॉर्म में कैश रिसीव हो रहा है, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर कैश, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर कैश, आपके लोन्स एंड एडवांसेस रीपेमेंट रिसीव्ड फॉर कैश, ठीक है। आपके लिए अगर इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं कैश में, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, डिबेंचर्स इशू किए हैं कैश में, या लोन लिया है आपने, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स आपके आते हैं कैश इनफ्लो के। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम कैश आउटफ्लो के भी देखते हैं। जब आप पेमेंट करोगे कैश की तो उसको आप बोलोगे कि ये कैश आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। जैसे कैश में आपने गुड्स परचेज करी हैं, या फिर आपने ट्रेड क्रेडिटर्स को कैश में पेमेंट करी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की आपने पेमेंट करी है, आपने कैश परचेज किया है फिक्स्ड एसेट्स का, इन्वेस्टमेंट्स परचेज करी हैं आपने कैश में, ठीक है, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इन कैश, आप रिडीम कर रहे हैं अपने प्रेफरेंस शेयर्स को कैश में, तो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, जैसे कि आपका और क्या हो सकता है, डिविडेंड की अगर आप पेमेंट कर रहे हो कैश में, इंटरिम डिविडेंड आपने पे किया है, लोन्स की रीपेमेंट आप कर रहे हो, ठीक। तो ये कुछ एग्जांपल्स देखे हमने कि कैश इनफ्लो के और कैश आउटफ्लो के किस तरीके से आपके एग्जांपल्स हैं। अब आता है नेट कैश फ्लो क्या है। व्हाट इज नेट कैश फ्लो? नेट कैश फ्लो है डिफरेंस बिटवीन कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज, उसको आप बोलते हो नेट कैश फ्लो। दैट इज डिफरेंस बिटवीन कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। तो ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। मतलब इनफ्लो भी हो सकता है आपका नेट कैश फ्लो, और या आपका आउटफ्लो भी हो सकता है। अब आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट इशू किसने करी थी और इसके ऊपर आपका कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू करी हुई है, इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसके ऊपर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? AS3 रिवाइज्ड। इट वॉज रिवाइज्ड इन मार्च 1997 एज पर दी इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट। तो आपका AS जो है वो AS3 रिवाइज्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये आपका बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनती है, राइट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखते हैं कि बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है।
बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपकी चार स्टेटमेंट आती हैं। पहली आपकी बैलेंस शीट, या फिर इसको आप बोलते हो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन। दूसरी इनकम स्टेटमेंट, तीसरी कैश फ्लो स्टेटमेंट और चौथी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, तो अब जरा हम बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो देखिए, बैलेंस शीट पहला एस्पेक्ट है आपका। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से आपको क्या पता चलता है कि बिजनेस की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जिसमें आपका कैश इन हैंड भी शामिल है। दूसरा आता है इनकम स्टेटमेंट या फिर योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस से आपको ये पता चलता है कि अकाउंटिंग पीरियड में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, या कंपनी ने अगर लॉस सफ़र किया है तो कितना उसको लॉस हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस से ये आपको बिल्कुल नहीं पता चलता, या प्रॉफिट एंड लॉस ये इंश्योर नहीं करता या ये गारंटी नहीं देता कि कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल है ताकि कंपनी अपने डिविडेंड की और लायबिलिटीज़ की टाइम पे पेमेंट कर सके। ठीक है, तो प्रॉफिट्स कितने भी हो सकते हैं बट वो आपको कैश की गारंटी कभी नहीं देते। ठीक, तो प्रॉफिट एंड अमाउंट ऑफ कैश के बीच में आपका कोई कनेक्शन नहीं है। हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के हिसाब से आपके प्रॉफिट्स बहुत लार्ज हो, बट कैश आपके पास बिल्कुल नेग्लिजिबल हो। ठीक है, पर आपको ये लग रहा होगा कि अगर कंपनी के प्रॉफिट्स हाई हैं तो ऑब्वियसली उसका कैश भी हाई होगा। ज़रूरी तो नहीं है ये चीज़। देखो, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ज़रूरी मतलब कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ज़रूरी नहीं कि कैश भी होगा। ठीक है, तो सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कंपनी एक्स है। ठीक है, तो कंपनी एक्स का मान के चलते हैं कि देयर वॉज 200% इंक्रीज इन सेल्स इन वन अकाउंटिंग पीरियड, इन वन अकाउंटिंग पीरियड। तो हुआ क्या, आपकी सेल्स के अंदर 200% का इंक्रीज आया, बट पुअर कलेक्शन की वजह से आपके डेटर्स एंड बीआर और भी तेजी से बढ़े आपके, जिससे जितना भी आपका ये रेवेन्यू बढ़ा, ठीक है, रेवेन्यू तो बढ़ा बट वो सारा का सारा आपके डेटर्स की फॉर्म में था। जब काफ़ी डेटर्स से पेमेंट रिसीव नहीं हुई तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट फिगर को रिवाइज किया। तो आप देख सकते हैं कि हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस ने यहाँ 200% की सेल्स में इंक्रीज दिखाया, बट एक्चुअली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो आपका था वो बिल्कुल नेगेटिव था। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट कभी इंश्योर नहीं करता कि आपके पास अच्छे अमाउंट ऑफ कैश भी अवेलेबल है या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश आपके पास अवेलेबल है। चौथी स्टेटमेंट है आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपको बताता है कि रिपोर्टिंग पीरियड में शेयर होल्डर्स की पोजीशन के अंदर कितना चेंज आया है। तो ये भी आपके कैश के बारे में बात नहीं करता। तो कैश की पोजीशन मतलब उसका इनफ्लो और आउटफ्लो जानने के लिए इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज़ योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। AS3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लोज को तीन हेड्स के अंदर दिखाया जाता है। पहला हेड है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो इन तीन में से एक एक्टिविटीज के अंदर फॉल करेंगे, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एंड तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इन एक्टिविटीज को हम डिटेल में भी देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सो व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ
कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो ये है कि आपको कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है कि एंटिटी की ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की जानकारी मिल सके। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हमारे पास टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स ऑफ एंटिटी। एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है हमारे पास टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटीज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड और अदर स्पेसिफिक पीरियड। अब हम डिटेल में एक एक एक्टिविटीज को देखेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपके पास तीन एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो अब एक एक करके इनको देखते हैं क्या क्या इन एक्टिविटीज के अंदर शामिल होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? वो एक्टिविटीज जो बिजनेस के प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज होती हैं उनको आप बोलते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ये जो कैटेगरी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, ये रेजिडरी कैटेगरी भी है। मतलब अगर किसी एक्टिविटी को फाइनेंसिंग में और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, तो उस एक्टिविटी को फिर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्लासिफाई करते हो। तो ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या आता है? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जैसे कि आपका सेल या परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स या अदर इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट से आपको जो इनकम रिसीव होती है वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनती है। आगे आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। थर्ड हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है? वो एक्टिविटीज जो आपका ओनर्स कैपिटल के साइज और कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज लेके आए, उन एक्टिविटीज को बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जैसे बोरोइंग और रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, फाइनेंसिंग कॉस्ट आपकी जो है इक्विटी की, प्रेफरेंस की, बोरोइंग्स की या किसी भी और तरीके के फाइनेंस की, उनको आप क्लासिफाई करते हो फाइनेंसिंग कॉस्ट के अंदर। मतलब कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इज अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग क्या है? आपकी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। एंड जो आपकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं बनती, एनी एक्टिविटी, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, एनी एक्टिविटी विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इट विल बी क्लासिफाइड अंडर दिस एक्टिविटी।
तो ये आपका रेजिड्यूरी सेक्शन है। अब आती हैं आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या आती? रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। एंड सेकेंड, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। और तीसरा है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज? विच चेंजेस द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल बोरोविंग्स एंड रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग्स तो लोन का लेना, लोन की पेमेंट करना, वो भी यहीं पे आ जाएगा। फाइनेंसिंग कॉस्ट्स ऑन इक्विटी प्रेफरेंस एंड बोरोविंग्स एंड एनी अदर काइंड ऑफ फंड्स। तो यहाँ से आप एग्जाम्पल्स मेकअप कर सकते हो। देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? जैसे आपने गुड्स को सेल किया, वहाँ से आपको कैश रिसीव हुआ, ठीक है। अब या आपने सर्विसेज दी, सर्विसेज प्रोवाइड करी, वहाँ से आपको कैश रिसीव हुआ। आपने सप्लायर्स को पेमेंट करी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, आपको उसके लिए पेमेंट करनी पड़ी, तो वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट बनेगा, ठीक है। रॉयल्टीज से, कमीशन से, फीस से, या कोई और रेवेन्यू आपको रिसीव हो रहा है, तो वो आपका आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट बनेगा। एम्प्लॉइज़ की पेमेंट हो गई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट हो गई, इंश्योरेंस प्रीमियम या क्लेम्स की आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, वो आ गया, वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट बनेगा। कैश का थेफ्ट हो गया, कैश का थेफ्ट इसके अंदर कैसे आ रहा है? देखो ना, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन रहा, ना वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बन रहा, तो वो कहाँ जाएगा? रेजिडरी आइटम ट्रीट करके उसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपका कोई फायर एक्सीडेंट हुआ है, उससे अगर इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम मिल रहा है, तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा बाय वर्चू ऑफ दिस रेजिडियरी सेक्शन। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे पहले आप क्लासिफाई करके देख लीजिए, क्या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्लासिफाई हो रहा है। वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट फिर वो बनेगा। रेवेन्यू, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ तो यहाँ पे पार्ट बनेंगी ही सही, बाकी सारी रेजिडरी एक्टिविटीज़ का भी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट बनेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, देखो हमने क्या बोला, परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स एंड इनकम रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। तो क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जैसे आपने फिक्स्ड एसेट को एक्वायर किया या उनको डिस्पोज किया, ठीक है, आपके इनटेंजिबल्स को आपने एक्वायर किया या उनका डिस्पोजल, ठीक, आपके शेयर, शेयर वॉरेंट्स, डेट सिक्योरिटीज ऑफ अदर एंटिटीज, मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो दूसरों के बिजनेस के अंदर, सो दैट विल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू थर्ड पार्टीज, ठीक है, तो वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। लोन का देना वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लोन का लेना वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। हालांकि अगर लोन्स एंड एडवांसेस अगर फाइनेंशियल एंटिटी दे रही है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो उसकी रोज़मर्रा की एक्टिविटी है, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, तो वहाँ पे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट बनेगा। और क्या आ सकता है इसके अंदर? जैसे इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, रेंटल इनकम है, तो आपकी जो भी इनकम आएंगी इन्वेस्टमेंट से, वो सारी आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ का पार्ट बनेंगी। आगे आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़।
हर वो एक्टिविटी जो ओनर्स कैपिटल के साइज और कंपोजिशन के अंदर चेंज लेके आए उसे आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलेंगे। जैसे कि आपने इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, या आपने इक्विटी शेयर्स को बायबैक कर लिया तो उससे भी आपका चेंज आएगा कंपोजिशन ऑफ ऑनर्स कैपिटल के अंदर, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स से आपके पास उनको आपने रिडीम कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी जिनका आपका चेंज आ रहा है जिसकी वजह से साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ऑनर्स कैपिटल में, तो आपका किसका पार्ट बनेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का वो आपका पार्ट बनेंगे। बोरोइंग्स एंड रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, आपने लोन्स बोरो किए या आपने डिबेंचर्स को इशू किया, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। आप लोन्स की रीपेमेंट कर रहे हो या आप रिडेम्पशन कर रहे हो डिबेंचर्स का, अगेन रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स आ गया, तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑन इक्विटी प्रेफरेंस एंड बोरोइंग्स एंड एनी अदर काइंड ऑफ फाइनेंसिंग, जैसे आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो, प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट कर रहे हो, इक्विटी डिविडेंड की पेमेंट कर रहे हो, चाहे इंटरिम हो या फाइनल डिविडेंड हो, तो वो आपका फाइनेंसिंग कॉस्ट का पार्ट बनता है एंड दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। आई होप ये एग्जाम्पल्स जो है आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी प्रिपेयर कैसे की जाती है या इसका फॉर्मेट किस तरीके से दिखता है। बेसिकली आप इसको कैसे बनाते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट जिस भी एंटिटी का बना रहे हो, सपोज एक्स लिमिटेड, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका ईयर एंड हो रहा है उसके लिए, ठीक है, तो आप कुछ नहीं करते, रुपीज एंड पर्टिकुलर्स, आपकी तीन एक्टिविटीज़ हैं, आप तीनों एक्टिविटीज़ दिखाते हो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सबसे पहले दिखाया जाता है, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसमें आप ऐड करते हो कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, थर्ड नंबर पे आपका आता है कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और इन तीनों के सम को आप बोलते हो नेट कैश फ्लोस, दीज आर नेट कैश फ्लोस। इसके अंदर आप ऐड करते हो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, इसको ऐड करने के बाद आपका क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो ये जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस आपका निकल के आया, ये आपकी बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश का जो बैलेंस होगा उसके साथ मैच करना चाहिए। अब हमने एक्टिविटीज़ को ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में डिवाइड करना तो सीख लिया, ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये यूज़र्स को इससे क्या हेल्प मिलती है डिसीजन मेकिंग के अंदर। देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को देख के ये पता चलता है कि आपकी फ्यूचर की आपकी कैश फ्लोज क्या होने वाली हैं, उनको आप फोरकास्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक यूज़र ये डिटरमिन कर सकता है क्या कंपनी के पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ कैश कैश रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे डिविडेंड की पेमेंट करने के लिए, लोन्स की रीपेमेंट करने के लिए, या फिर नई इन्वेस्टमेंट्स को मेक करने के लिए, ठीक है। बिना एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के क्या कंपनी अपने डिविडेंड्स वगैरह की या लोन्स की रीपेमेंट टाइमली कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को देख के ये पता चलता है। दूसरा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से यूज़र्स क्या पता कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ यूज़र्स को हेल्प करते हैं फ्यूचर की ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को एस्टीमेट करने में। वो कैसे, अब ये देखिए, सपोज करते हैं एक एंटिटी ने प्लांट और फिक्स्ड एसेट्स में ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्ट किया है या प्लांट और फिक्स्ड एसेट्स को परचेज किया है, तो यूज़र इसे ये फोरकास्ट कर सकता है कि परचेज करने से कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं, ये आराम से फोरकास्ट किया जा सकता है, ठीक है। और सुनो,
अगर एंटिटी ने शेयर्स या अदर सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया है तो यूज़र ये फोरकास्ट कर सकता है कि फ्यूचर कैश फ्लोज होने वाले हैं कंपनी को बाय वे ऑफ अदर इनकम फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि डिविडेंड रिसीव होगा उसके ऊपर या उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम कंपनी को रिसीव होगी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से क्या पता चलता है कि आपके फ्यूचर के क्लेम्स क्या होने वाले हैं उनको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, और इस तरीके से फ्यूचर के क्लेम्स का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बताइए। सपोज एक कंपनी है, उसने शेयर्स एंड डिबेंचर्स खरीद रखे हैं दूसरी एंटिटीज के, और पर्पस क्या है, किस लिए होल्ड किए हुए हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स? ट्रेडिंग पर्पस के लिए होल्ड किए हुए हैं। तो इसको क्या आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्लासिफाई करोगे या इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्लासिफाई किया जाएगा? देखिए, अब यहाँ पे ये देखिए कि पर्पस क्या है। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स होल्ड कर रखी हैं, शेयर्स एंड डिबेंचर्स को होल्ड किया हुआ है ट्रेडिंग पर्पस के लिए, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस। तो इसलिए इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्लासिफाई ना करके इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा। अब हमने ये तो देख लिया कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या हैं। अब इसी पे थोड़ा सा होल्ड और बनाने के लिए हम इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो पहला है परचेज ऑफ मशीनरी, ये है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दूसरा है सेल ऑफ लैंड, अगेन इन्वेस्टिंग। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ऑपरेटिंग। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये भी ऑपरेटिंग। आगे है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग। रिसीट ऑफ डिविडेंड, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट करोगे तो आपको डिविडेंड रिसीव होगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, रिलेटेड टू फाइनेंसिंग। रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, दिस इज इन्वेस्टिंग। रिसीव कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग में, पेमेंट कर रहे हो तो फाइनेंसिंग में। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, फाइनेंसिंग। एंड बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, अगेन फाइनेंसिंग। तो पहला क्वेश्चन था ये, सेकेंड और देखते हैं हम। क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश और कैश इक्विवेलेंस। पहला है परचेज ऑफ मशीनरी, ये तो देख के ही समझ में आ गया होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग। कैश सेल्स, ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, फाइनेंसिंग। सेल ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ऑपरेटिंग। कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव्ड, अगेन ऑपरेटिंग। परचेज ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फाइनेंसिंग। कैश परचेज ऑफ गुड्स, ऑपरेटिंग। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ गुडविल, अगेन इन्वेस्टिंग। कैश पेड टू सप्लायर ऑफ गुड्स, ऑपरेटिंग। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, फाइनेंसिंग। वेजेस एंड सैलरीज पेड, ऑपरेटिंग। सेल ऑफ पेटेंट्स, इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, फाइनेंसिंग। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड, ऑपरेटिंग। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पेड, अगेन ऑपरेटिंग। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, बताइए इन्वेस्टिंग, रिसीव कर रहे हो। रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी, अगेन इन्वेस्टिंग। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड, ऑपरेटिंग।
इनकम टैक्स पेड अगेन ऑपरेटिंग, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स फाइनेंसिंग, अंडरराइटिंग कमीशन पेड अगेन फाइनेंसिंग, रेंट पेड ऑपरेटिंग, ब्रोकरेज पेड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग, ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स के परचेज से रिलेटेड है इन्वेस्टिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग, कैश क्रेडिट अगेन फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैविंग मैच्योरिटी ऑफ 3 मंथ्स, कैश और कैश इक्विवेलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैविंग मैच्योरिटी ऑफ 3 मंथ्स, अगेन कैश और कैश इक्विवेलेंस, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव्ड ऑपरेटिंग, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स ऑपरेटिंग, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स अगेन ऑपरेटिंग, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैविंग मैच्योरिटी ऑफ 6 मंथ्स, 3 मंथ से ज्यादा की मैच्योरिटी है, सो दिस विल फॉल अंडर इन्वेस्टिंग. आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन. Classify the following activities as operating activities, investing activities, financing activities in case of a manufacturing enterprise and a financial enterprise. तो 8 हमारे पास दे रखे हैं आइटम्स. पहला है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्स एंड एडवांसेज मेड टू थर्ड पार्टीज, receipts from the repayments of loans and advances made to third parties and receipt of interest on loans and advances made to third parties. देखो manufacturing enterprise के केस में सारी की सारी activities जो भी given है वो क्या होंगी, investing activities. So manufacturing enterprise के केस में all activities are investing activities. क्यों? क्योंकि ये सारी रिलेट करती हैं एक्विजिशन या डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट से. दूसरा है फाइनेंशियल एंटरप्राइज. यही सारी एक्टिविटीज फाइनेंशियल एंटरप्राइज के केस में क्या हो जाएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. All activities are operating activities. क्योंकि ये main revenue producing activity of the enterprise से relate करती हैं, तो इसीलिए financial enterprise के case में ये सारी activities आपकी operating activities हो जाएंगे. आगे देखते हैं next question हमारा. Classify the following activities as operating activities, investing activities, financing activities in case of a manufacturing enterprise and second a real estate enterprise. Purchase of land, purchase of building, sale of land, sale of building, brokerage paid on purchase and sale of land and building, rent received from a building, payment of construction cost of a building. Manufacturing enterprise ke case mein sari investing activities hain. In case of manufacturing enterprise, all the given activities are investing activities. क्यों? क्योंकि सारी की सारी activities acquisition and disposal of long-term assets से relate करती हैं. रियल इस्टेट एंटरप्राइज के केस में क्या होगा, सारी की सारी ये एक्टिविटीज आपकी क्या हो जाएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेंगी. क्यों? क्योंकि ये आपके मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज से रिलेट करती हैं. सो ऑल एक्टिविटीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज as they relate to the main revenue producing activity of the enterprise. आगे देखते हैं अब next question.
व्हेन इज डिविडेंड रिसीव्ड कंसीडर्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कब आप डिविडेंड जो रिसीव हो रहा है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप क्लासिफाई करोगे। अगर कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो उसके केस में रिसीट ऑफ डिविडेंड विल बी टर्म्ड एज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? डिविडेंड रिसीव्ड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज। एंटरप्राइज इज कंसीडर्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आगे देखते हैं। मेंशन द नेट अमाउंट ऑफ सोर्स और यूज ऑफ कैश इन द फॉलोइंग केसेस। सोर्स मतलब जहां से पैसा आ रहा है, यूज जहां पे पैसा यूटिलाइज हो रहा है। पहला है व्हेन फिक्स्ड एसेट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹15,000 इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹5,000। तो सेल प्राइस कितने का था आपका? 10,000 का। तो 10,000 आपका क्या निकल के आ गया? यहाँ पे सोर्स निकल के आ गया, पैसा आपको रिसीव हो रहा है ₹10,000। कैसे निकाला? बुक वैल्यू थी एसेट की 15,000, लॉस पे बेचा है 5,000 का, तो कितने का बिका होगा? 10,000 रुपीज का फिक्स्ड एसेट आपका बिका होगा। सो दैट इज अ सोर्स ऑफ कैश फॉर अस, दैट इज ₹10,000। सेकेंड है व्हेन गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 आर सोल्ड फॉर ₹15,000। 15,000 रुपये आएंगे आपके पास, सो दिस इज अ सोर्स। एंड कितना अमाउंट? ₹15,000। थर्ड है व्हेन ₹19,000 रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर एंड अलाउड ₹1,000 एज डिस्काउंट। आपको कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं? 19,000 रुपीज आपको रिसीव हो रहे हैं, सो दिस इज अगेन अ सोर्स फॉर यू। एंड हाउ मच? ₹19,000। नेक्स्ट है व्हेन डिस्काउंट ऑफ ₹1,000 इज रिसीव्ड ऑन मेकिंग अ पेमेंट टू अ क्रेडिटर ऑफ ₹10,000। आपको 10,000 की पेमेंट करने पे ₹1,000 का डिस्काउंट मिला। आपने कितने की पेमेंट करी? 9,000 की पेमेंट करी। तो कितना कैश आपने यूटिलाइज किया या यूज किया? ₹9,000। नेक्स्ट है व्हेन इश्यू ऑफ शेयर्स ₹4.7 लाख अगेंस्ट परचेज ऑफ बिजनेस कंप्राइजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ₹6 लाख, करंट एसेट्स ₹2 लाख एंड टुक ओवर लाइबिलिटीज ऑफ ₹1 लाख। तो क्या सोर्स है इसमें और कितना आपका यूज है? कुछ भी नहीं है क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व ही नहीं है। सो सोर्स और यूज इज निल बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन डज नॉट इन्वॉल्व कैश। नेक्स्ट है व्हेन ओल्ड फर्नीचर बुक वैल्यू ₹1,000 इज रिटन ऑफ। अगेन निल क्योंकि इसमें भी कैश की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। व्हेन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ₹1,000 चार्ज टू प्रॉफिट। अगेन निल, इस ट्रांजेक्शन में भी कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ना कोई सोर्स है यहाँ पे और ना ही कोई यूज है कैश का। अब हम देखते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लोज अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को दो मेथड्स में प्रेजेंट किया जा सकता है, या तो डायरेक्ट मेथड के हिसाब से या फिर इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ये क्लासिफिकेशन नहीं किया जाता, वो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों में सेम तरीके से निकाले जाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड आपको ऑप्शन देता है, एक एंटिटी को ऑप्शन देता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का प्रेजेंटेशन वो या तो डायरेक्ट मेथड के हिसाब से कर सकती है या इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से कर सकती है। तो ये जो इनडायरेक्ट मेथड है ये ज़्यादा पॉपुलर मेथड है, ये प्रैक्टिकली ज़्यादा फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हो? डायरेक्ट मेथड में कंपनी क्या दिखाती है? एंटिटी इंफॉर्मेशन देती है अबाउट मेजर क्लासेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर क्लासेस ऑफ ग्रॉस कैश रिसीट्स एंड ग्रॉस कैश पेमेंट्स।
तो ये ग्रॉस कैश रिसीट्स और पेमेंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल सकती है? या तो आपको कैश या बैंक बुक से मिल जाएगी, या फिर ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को आप एलिमिनेट कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, तो भी ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कहने का मतलब है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आप इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग आइटम्स को हटा दीजिए, तो भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड के अंदर आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का क्या फॉर्मेट है। कंप्यूटेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अंडर डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग रिसीट्स इन कैश। सबसे पहले आप ऑपरेटिंग रिसीट्स इन कैश लिखेंगे। एग्जाम्पल आपका कैश सेल्स हो सकता है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हो सकता है, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड हो सकता है, और भी कुछ आइटम्स इसके अंदर हो सकती हैं, ये सिर्फ इसके एग्जांपल्स हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप ऑपरेटिंग पेमेंट्स दिखाएंगे। ऑपरेटिंग पेमेंट्स इन कैश, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके भी हम कुछ। एग्जाम्पल आपका कैश परचेजेस, कैश पेड टू सप्लायर्स, वेजेस एंड सैलरीज पेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड, और ये अमाउंट आ जाएगा आपका बाहर। ये आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्सेस। फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्सेस दैट इज ए माइनस बी, ऑपरेटिंग रिसीट्स माइनस ऑपरेटिंग पेमेंट्स, दिस विल गिव यू कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्सेस। अब आप क्या करेंगे, टैक्स की एडजस्टमेंट करेंगे। इनकम टैक्स पेड, दिस इज नेट ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स। ये है आपका कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के एडजस्टमेंट करेंगे। एंड दिस विल फाइनली गिव यू नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर नेगेटिव फिगर आती है तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये आपका फॉर्मेट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने का अंडर द डायरेक्ट मेथड। अब हमने डायरेक्ट मेथड के अंदर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने का फॉर्मेट तो देख लिया, इसके ऊपर अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश सेल्स ₹2 लाख, कैश परचेजेस 50,000, कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स 4 लाख, कैश पेड टू सप्लायर्स 1 लाख, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड 1 लाख, ट्रेडिंग कमीशन पेड 25,000, वेजेस एंड सैलरीज पेड 40,000 एंड रेंट पेड इज 10,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पेड 30,000, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड 20,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड 10,000, इनकम टैक्सेस पेड 1,18,000, इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट 1 लाख एंड इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड 3,000। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। हम निकाल रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले आप क्या लेते हो, ऑपरेटिंग रिसीट्स इन कैश। कैश सेल्स, एक एक आइटम को अब हम देखते जाते हैं। कैश सेल्स क्या है आपका, ऑपरेटिंग रिसीट है। तो सबसे पहले आ जाएगा कैश सेल्स 2 लाख। देन है हमारे पास कैश परचेजेस। कैश परचेजेस क्या है, ऑपरेटिंग पेमेंट है। तो हम नीचे बना लेते हैं ऑपरेटिंग पेमेंट्स इन कैश। कैश परचेजेस 50,000। नेक्स्ट आइटम देखते हैं, कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स, ऑपरेटिंग रिसीट। ₹4 लाख। नेक्स्ट है कैश पेड टू सप्लायर्स ₹1 लाख, ऑपरेटिंग पेमेंट। सप्लायर्स ₹1 लाख। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड, ऑपरेटिंग रिसीट। ₹1 लाख। ट्रेडिंग कमीशन पेड, ऑपरेटिंग पेमेंट। ₹25,000। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरीज पेड, अगेन ऑपरेटिंग पेमेंट 40,000। रेंट पेड 10,000, ये भी ऑपरेटिंग पेमेंट है आपकी। वेजेस एंड सैलरीज पेड 40,000। एंड रेंट पेड 10,000।
नेक्स्ट आइटम है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पेड, अगेन ऑपरेटिंग पेमेंट। थर्टी थाउजेंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड, 20,000 एंड 10,000 दोनों ही ऑपरेटिंग पेमेंट्स हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस पेड 20,000 एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड कितना 10,000। और देखते हैं क्या आइटम्स हैं। इनकम टैक्स पेड ये तो सेपरेटली माइनस करेंगे आप सारी एक्टिविटीज से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के बाद। इंश्योरेंस प्रोसीड्स इज आल्सो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसको भी हम बाद में डील करेंगे। तो यही आपकी आइटम्स थी इनकम टैक्स रिफंड, इसको नेट करके आप इनकम टैक्स की पेमेंट लेंगे। तो ऐड कर लेते हैं, ऑपरेटिंग रिसीट्स हैं आपकी 7 लाख, ऑपरेटिंग पेमेंट्स हैं आपकी 2,85,000 एंड दिस विल गिव यू कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। दिस इज ए माइनस बी, 4,15,000। अब आप क्या करेंगे, इसमें से इनकम टैक्स पेड को माइनस करेंगे। इनकम टैक्स पेड देखिए ये आएगा नेट ऑफ रिफंड, 1,18,000 का पे किया था, रिफंड आपको रिसीव हुआ है 3,000 का। सो नेट इनकम टैक्स आपने कितना पे किया, 1,15,000 इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड, रुपीस 1,18,000 माइनस रुपीस 3,000 दैट इज रुपीस 1,15,000। यहाँ से क्या निकल के आएगा, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। जो कि निकल के आया 3 लाख रुपीस। अब यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो, जो हमारे पास था इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट 1 लाख रुपीस। सो ऐड कर देते हैं, प्रोसीड्स हैं हमारे इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम डिजास्टर सेटलमेंट, अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट 1 लाख एंड दिस इज योर नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकालेंगे डायरेक्ट मेथड के अंडर, उसके ऊपर आपने क्वेश्चन देखा। अब हम देखते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड के अंडर कैसे निकाला जाता है। सो दिस इज कंप्यूटेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अंडर इनडायरेक्ट मेथड। देखिए बेसिकली 5 स्टेप्स हैं इसको निकालने के। पहले स्टेप में आप निकालते हो कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स।
ये जब निकल जाता है तो सेकेंड स्टेप में निकाला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। थर्ड स्टेप में आप निकालते हो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फोर्थ स्टेप में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स बट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। देन आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की एडजस्टमेंट करते हो और फाइनली आपका निकल के आता है नेट कैश यूज्ड और जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो अब एक एक स्टेप को कैसे निकाला जाता है, अब हम ये कंप्लीट फॉर्मेट इसका देखते हैं। तो स्टेप वन आपका है ये पर्टिकुलर्स एंड दिस इज रुपीस। ठीक है, तो स्टेप वन में आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब ये कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। अब स्टार्ट कीजिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उसमें से माइनस कीजिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या फिर अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो वो ऐड हो जाएगा और ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उसको आप ऐड कर देंगे। इसके अंदर आप ऐड करोगे प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर करंट ईयर। और क्या ऐड करोगे इसके अंदर, इंटरिम डिविडेंड पेड फॉर करंट ईयर। अगर कोई अमाउंट जो रिजर्व्स में ट्रांसफर किया है तो उसको भी ऐड कर देंगे, ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व। और लेस ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व। और इसमें आप ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड फॉर द करंट ईयर। टैक्स मेड फॉर करंट ईयर।
रिफंड ऑफ टैक्स होगा तो उसको माइनस कर देंगे, लेस रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये यहाँ माइनस हो जाएगा, नेगेटिव फिगर में दिखेगा। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर रखी है तो उसको भी माइनस कर देंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ एनी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एग्जाम्पल इंश्योरेंस प्रोसीड्स, फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेबिट आइटम्स हैं जैसे लॉस हुआ है ड्यू टू अर्थक्वेक, उसको आप ऐड कर देंगे यहाँ पे। ऐड करोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेबिट आइटम्स, एग्जाम्पल लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ठीक है। दिस विल गिव यू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अब आप स्टेप टू के अंदर क्या करेंगे? स्टेप टू में आपको निकालना है कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसे आप कैसे निकालेंगे? आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? ये जो आपने स्टेप बी के अंदर निकाला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर फिर आप एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, उससे आपका निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब कीजिए एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके, जैसे क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड लोन्स, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, ऑन डिबेंचर्स एंड लोन्स वेदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन या फिर आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और शेयर्स जिसको आपने राइट ऑफ किया है, रिटन ऑफ, आपके कोई गुडविल हैं उनको आपने अमोर्टाइज किया है, गुडविल रिटन ऑफ, या फिर पेटेंट्स को अमोर्टाइज किया है, पेटेंट्स
ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, दे हैव बीन अमोर्टाइज्ड, वो आ जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की सेल पे अगर कोई लॉस हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। दिस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करंट भी हो सकता है, नॉन करंट भी हो सकता है। प्रीमियम पेबल, अगर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स पे कोई प्रीमियम पे करना है आपको तो वो आ जाएगा यहाँ पे। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है आपको उसका एडजस्टमेंट करोगे आप। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, करंट हो नॉन करंट हो दोनों ही आ जाएंगे यहाँ पे। अगर आपको कोई डिविडेंड इनकम रिसीव हो रही है उसका एडजस्टमेंट आएगा। इनकम सारी की सारी आप माइनस करोगे, डिविडेंड इनकम अगर है कोई तो, या कोई रेंटल इनकम है। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है आपको सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करंट भी हो सकती है नॉन करंट भी हो सकती है, तो वो भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के, उनकी एडजस्टमेंट आप कैसे करोगे। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, दिस विल गिव यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये आपने स्टेप टू निकाला, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आप क्या करेंगे, अब स्टेप थ्री के अंदर आपको निकालना है, कैलकुलेट द कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। स्टेप थ्री, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या रहेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को हम लोग एडजस्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो यहां से आपका क्या निकल के आएगा, दिस विल गिव यू कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब आपको स्टेप फोर में क्या निकालना है, ये करंट एसेट्स जो है इसमें आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को एक्सक्लूड किया है, वो यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। स्टेप फोर में आपको निकालना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स बट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स।
आफ्टर टैक्स बट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो इसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेंगे, यहाँ पे जहाँ हमने छोड़ा है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस इसमें से माइनस करेंगे इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्सेस पेड इंक्लूडिंग एडवांस टैक्स, बट एक्सक्लूडिंग रिफंड ऑफ टैक्स। अच्छा, ये जो इनकम टैक्स आप ले रहे हैं ये सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही होना चाहिए। दिस विल गिव यू कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें अब हम एडजस्ट करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को एंड दैट विल गिव यू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, दिस इज कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। स्टेप 5, कैलकुलेट नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट यही रहेगा, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को एडजस्ट करेंगे, ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेडिट आइटम्स, एग्जाम्पल इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर, प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट। और गवर्नमेंट ग्रांट एक्सेट्रा लेस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेबिट आइटम्स, डेबिट आइटम्स एग्जाम्पल लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ये आपके नेगेटिव में है एंड दिस विल गिव यू नेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस तरीके से आप इनडायरेक्ट मेथड के अंडर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं। अब हम देखते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो देखिए, जो भी इनफ्लो होगा वो ऐड हो जाएगा और जो भी आउटफ्लो होगा वो माइनस हो जाएगा। तो पहले कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखते हैं। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आएगा। मेजरली आपको यही यही चीजें दिखेंगी, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स,
ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट है आपकी, आपने उनको कोई सेल किया है, उससे रिसीट हुई है, तो वो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम अगर कोई है तो। ये थी आपकी रिसीट्स। अब हम देखते हैं पेमेंट्स। जैसे अगर आपने प्लांट को परचेज किया है तो वो आ जाएगा पेमेंट्स में। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड एनी अदर फिक्स्ड एसेट्स। तो ये क्या आएगा? आपकी नेगेटिव फिगर, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो और कैश जा रहा है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, परचेज ऑफ पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। सो दिस विल गिव यू नेट कैश जनरेटेड और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आगे देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो इसमें क्या क्या आएगा? इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर कैश ओनली। अगर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल हुआ है फॉर कैश तो ही ये यहाँ पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और क्या आ सकता है इसमें? रेजिंग ऑफ लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स और डिबेंचर्स, अगेन इन कैश ओनली। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, अगेन कैश में होगा तो ही आएगा। ये आप रिडीम कर रहे हो, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, सो दिस विल बी अ नेगेटिव फिगर, राइट? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अगेन इन कैश ओनली पेमेंट कर रहे हो तो ये भी नेगेटिव में आएगी आपकी फिगर। इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा। अगर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट बनेगा, अगर पे कर रहे हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट बनेगा। ओन लॉन्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, दैट इज़ आप पेमेंट कर रहे हैं। अगर इंटरिम डिविडेंड की आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो आ जाएगा यहाँ पे।
पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। अगर आप फाइनल डिविडेंड की पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी आ जाएगा। दिस विल गिव यू नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जनरेटेड फ्रॉम और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकाल लिया। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। दिस इज नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। इसमें आपने क्या किया? तीनों एक्टिविटीज को ऐड कर दिया। जो भी आपका कैश फ्लो आया फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसके अंदर आप ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस और निकल के आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। सो ऐड करते हैं इसके अंदर कैश इन हैंड एंड कैश इक्विवेलेंस इन द बिगनिंग ऑफ एग्जाम्पल, आपका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज, और इसमें से अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो आपका माइनस हो जाएगा। सो हमारे पास ये तीन पॉजिटिव फिगर्स हैं, सॉरी दिस इज पॉजिटिव, तो तीन फिगर्स ये पॉजिटिव है, बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव है। दिस विल प्रोवाइड यू कैश इन हैंड एंड कैश इक्विवेलेंस एट एंड। अब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट तो देख लिया, अब आगे हम ये देखते हैं कि अगर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो उसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे या हिडन इन्फॉर्मेशन को कैसे डिक करोगे। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं फिक्स्ड एसेट्स को। ठीक है, सपोज आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट दे रखी है 2015 एंड 2016, और आपको यहाँ गिवन है प्लांट एंड मशीनरी। 2015 में थी 50,000 की, 2016 के अंदर वो हो गई 60,000 की। कोई और इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट में या किसी और तरीके से आपको गिवन नहीं है, तो आप क्या कंक्लूड करोगे? दैट देर इज़ अ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने की? 10,000 रुपीज़ की ड्यूरिंग द ईयर। और इसको आप कहाँ पे दिखाओगे? दिस विल बी शोन एज एन आउटफ्लो ऑफ कैश इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। परचेज किया है ना, पैसा जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये पहला था, सबसे सिंपल। आगे चलते हैं एग्जाम्पल टू। वही आपको प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, ठीक है। बैलेंस था 2015 में 13,50,000, 2016 में हो गया 14,40,000। इसके बाद आपको और क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है? कि डेप्रिसिएशन आपका ड्यूरिंग द ईयर कितना आपने चार्ज किया है, ₹6,00,000 का इसके अंदर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। अब आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना के देख लीजिए, वहाँ से सारी पिक्चर जो है एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन है,
13,50,000 का बैलेंस कैरिड डाउन है, 14,40,000 का, और डेप्रिसिएशन है 6 लाख का। 20,40,000 और ये आपका 20,40,000 डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, मतलब कैश परचेज बैलेंसिंग फिगर। परचेज कर रहे हैं तो क्या है आउटफ्लो, कितने का 6,90,000 का। अब इन इंफॉर्मेशंस को आप अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैसे दिखाओगे? परचेज है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा, आउटफ्लो है तो आपका माइनस हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। सो ये पहली फिगर हो गई आपकी माइनस इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, दैट इज कैश परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और आपका डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन क्या है नॉन कैश आइटम है तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड हो जाएगा। से आप क्या करोगे ऐड करोगे इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दिस अ नॉन कैश आइटम। ठीक है, तो ये दूसरी हमने देखा एग्जांपल, आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स गिवन है, ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लायबिलिटी साइड में गिवन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। 2015 में था 7 लाख्स, 2016 में हो गया 7,90,000। एसेट साइड में आपको गिवन है बिल्डिंग, 2015 में थी 38,40,000 एंड 2016 में वही बिल्डिंग हो गई है 39,10,000 का। ठीक है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको क्या गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर गिवन है आपको अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग ₹74,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹60,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग सोल्ड वॉज ₹20,000। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और कहाँ कहाँ पे आप इसको शो करेंगे। दो अकाउंट बनाते हैं, एक बिल्डिंग अकाउंट और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, सो बिल्डिंग था 2015 में 38,40,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन है बिल्डिंग का हमारे पास 38,40,000, बैलेंस कैरी डाउन है 39,10,000, 39,10,000। ठीक है, और देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये दोनों फिगर्स तो आपके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर जाएंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन। अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग ₹74,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹60,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग सोल्ड वॉज ₹20,000। तो यहाँ से निकाल लीजिए गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग। तो निकालते हैं इसको, देखिए बिल्डिंग की बुक वैल्यू थी 74,000 की, उसके ऊपर आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा था 20,000 का, एक्चुअल बुक वैल्यू उसकी कितनी थी 54,000
और आपने उसे सेल किया है 60,000 का, तो क्या निकल के आया? गेन निकल के आया आपको, ये है गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, 6,000 रुपीस ये हमने निकाला गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 6,000 रुपीस का। कहाँ पे दिखाएंगे? डेबिट साइड में, जो भी चीज़ बढ़ाएगी एसेट को डेबिट साइड में, जो भी चीज़ कम करेगी एसेट को आपका क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज गेन ऑन सेल 6,000, ठीक है। और बताइए, जो सेल किया है आपने बिल्डिंग, वो आप कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में, कैश इनफ्लो है ये आपका, और आपने क्या किया है, दिस इज सेल ऑफ बिल्डिंग, कितने की? 60,000 रुपीस की आपने सेल करी है, और उसके ऊपर कितने का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था? 20,000 का। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000। इस अकाउंट में तो और कोई इन्फॉर्मेशन तो जानी नहीं है, यही इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। देखते हैं बैलेंसिंग फिगर कौन सी तरफ आती है। सो ये आपका टोटल है 39,90,000, 39,90,000 डेबिट के अंदर आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, दैट मीन्स दिस इज परचेज ऑफ बिल्डिंग, कैश परचेज, परचेज है तो आउटफ्लो होगा, एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर 1,44,000, ठीक है। आइए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट पे, बैलेंस ब्रॉट डाउन 7 लाख, बैलेंस कैरी डाउन 7,90,000, बिल्डिंग अकाउंट से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग अकाउंट 20,000, और ये क्या आ रहा है आपका 8,10,000, 8,10,000, 1,10,000 का क्या आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर क्या आया, ये डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर आपका निकल के आ गया। अब इन इन्फॉर्मेशन को, इनमें से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को आप कहाँ पे शो करेंगे? पहले बिल्डिंग अकाउंट देखते हैं, गेन ऑन सेल, गेन है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा कैश परचेज, क्या करोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस आउटफ्लो है, ये हो जाएगा माइनस इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आइए क्रेडिट साइड पे, सेल ऑफ बिल्डिंग इनफ्लो है आपका, कहाँ दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड, आगे आइए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये तो बैलेंस बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंस कैरी डाउन है, ये है आपका डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, कहाँ पे जाएगा, डेप्रिसिएशन है नॉन कैश एक्सपेंस है, ऐड कर देंगे आप नेट प्रॉफिट में इन योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमने फिक्स्ड एसेट्स की बात की, अब हम आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। देखिए इन्वेस्टमेंट्स या तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ के अंदर हो सकती है या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के अंदर हो सकती है, तो दो चीज़ें आ गई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, या फिर दूसरा आपका हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अगर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में है तो आपकी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं ये आपकी, एंड दीज आर ट्रीटेड एज करंट एसेट्स, एज करंट एसेट्स। तो अगर गेन होगा इनके ऊपर तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, अगर लॉस होगा तो आप ऐड करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है।
दैट इज इसको आप क्या करो, दीज आर एडजस्टेड टू दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, दैट इज ऐड करेंगे हम डिक्रीज इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, एंड माइनस करेंगे इंक्रीज इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, एंड दीज आर एडजस्टेड टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे। इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रिपेयर कर लीजिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और कहाँ पे दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट को, इसका सेल या परचेज आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर दिखाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट के बाद हम बात करते हैं शेयर कैपिटल की। तो शेयर कैपिटल के अंदर इंक्रीज आपका क्या माना जाएगा, इनफ्लो माना जाएगा, इनफ्लो ऑफ कैश तभी माना जाएगा जब एक्चुअल कैश के अंदर चेंज हुआ है। एग्जाम्पल इसके अंदर, जैसे कि अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर्स कैश में इशू किए हैं तो ही उसको इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज माना जाएगा। सो इफ अ कंपनी इश्यूज 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच फॉर कैश ओनली रुपीज 1 लाख वुड बी शोन एज इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। सपोज मैसर्स एक्स लिमिटेड ने बाय किया एसेट्स ऑफ मैसर्स वाई लिमिटेड 4 रुपीज 1 लाख। लिख लेते हैं इसको फिर देखेंगे। मैसर्स एक्स लिमिटेड बॉट द एसेट्स ऑफ मैसर्स वाई लिमिटेड 4 रुपीज 1 लाख पेबल इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ मैसर्स एक्स लिमिटेड। These assets consisted of stock of goods rupees 30,000, machinery rupees 50,000, and goodwill rupees 20,000. आपको क्या बताना है, how this transaction will be dealt? Within the preparation of cash flow statement. देखिए क्या कैश की पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है, इज देर एनी इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश, इसकी आप क्या जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए, देखिए स्टॉक अकाउंट डेबिट स्टॉक आ रहा है, स्टॉक अकाउंट डेबिट 30,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000 एंड गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं अपनी कंपनी के 1 लाख रुपीज़ के, कहीं पे भी यहाँ पे कैश अफेक्ट होता दिखाई दे रहा है नहीं, तो इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आपका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि इसमें कैश कहीं अफेक्ट हो ही नहीं रहा है। दिस इज नो इफेक्ट ऑन कैश, सो नो इफेक्ट ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट एज कैश इज नॉट अफेक्टेड।
ठीक है, तो ये हमने बात करी शेयर कैपिटल की। अगर आप शेयर्स को कैश में इशू कर रहे हैं तो ही वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, अदरवाइज उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया तो। सो ये हमने थर्ड एडजस्टमेंट देखी। फोर्थ हम देखते हैं पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड्स। इंटरिम डिविडेंड होता क्या है वैसे? दो एजीएम्स के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसको आप बोलते हो इंटरिम डिविडेंड। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर? एक तो आप इसको ऐड कर देते हो प्रॉफिट एंड लॉस में, एडेड टू प्रॉफिट एंड लॉस इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज दिस इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम, इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और दूसरा फाइनेंसिंग से रिलेटेड है सो डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। क्यों? आपके लिए आउटफ्लो है, कैश जा रहा है जब आप पेमेंट कर रहे हो, सो दिस इज़ आउटफ्लो एज पेमेंट इज बीइंग मेड। एंड देर इज आउटफ्लो ऑफ कैश। सो ये था पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। आगे हम देखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है एंड दिस इज एन आइटम ऑफ अप्रोप्रिएशन इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका आप देखो कि ट्रीटमेंट क्या होगा। एक तो आप इसको ऐड करोगे, किसको ऐड करोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स को आप ऐड करोगे करंट ईयर के प्रॉफिट फिगर के अंदर, और दूसरा जितने भी टैक्स की आपने पेमेंट करी है उसको आप सेपरेटली एज एन आउटफ्लो ऑफ कैश रिकॉर्ड करोगे। सो दो चीज़ें होंगी, एक तो आप ऐड करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स, दिस इज एडेड टू करंट ईयर्स प्रॉफिट फिगर, एंड दूसरा लेस क्या करोगे? टैक्स पेड। टैक्स पेड इज सेपरेटली रिकॉर्डेड एज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम प्रोविजन फॉर टैक्स के ऊपर ही। आपको लाइबिलिटीज साइड में प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है 2015 2016, आपको गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स। 2015 में प्रोविजन था 15,000 का, 2016 के अंदर प्रोविजन है 20,000 का, और कोई इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है कि कितना टैक्स पे किया है कितना नहीं किया है। ठीक है, और आपको ये बता रखा है कि नेट इनकम जो है वो 2016 की कितनी है, नेट इनकम फॉर द ईयर 2016 इज ₹50,000, और इसके अलावा बाकी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो इससे आप क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ करोगे? देखिए, ये जो टैक्स की फिगर 2015 के अंदर अपीयर हो रही है दिस विल बी पेड इन द ईयर 2016, तो 15,000 जो है वो 2016 के अंदर क्या हो जाएगा? टैक्स पेड हो जाएगा। और ये 20,000 का अमाउंट जो 2016 की बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे रहा है दिस इज़ द प्रोविजन क्रिएटेड फॉर 2016। तो इसको अब आप शो कैसे करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर? तो देखिए, ये है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैसे शो करेंगे आप इसको? आपकी नेट इनकम थी 50,000 की, आप इसमें ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर 20,000 का, 70,000 इसमें से आप माइनस कर देंगे टैक्स पेड कितना 15,000 का, प्लस टैक्स पेड 15,000। ठीक है, इसको सेपरेटली आउटर कॉलम के अंदर दिखाया जाएगा। शो दिस सेपरेटली इन आउटर कॉलम।
ये हमारा पहला एग्जांपल था। आगे बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल। आपको प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है 2015 के लिए 50,000, 2016 के लिए 70,000। और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या गिवन है, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ड्यूरिंग 2016 अमाउंटेड टू ₹40,000। तो इसको आप कैसे डील करेंगे या कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, आपने प्रोविजन कितना बना रखा था 2015 में 50,000 का, आपके टैक्स लायबिलिटी कितनी की बनी 40,000 की। तो इसके लिए क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेते हैं, देन ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बनाइए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। लायबिलिटी है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका क्रेडिट साइड में होगा 50,000, बैलेंस कैरेट डाउन 70,000। ठीक है, टैक्स पे कर दिया कितने का, 40,000 का। सो बैंक टैक्स पेड 40,000। ठीक है, अब क्या निकल के आएगा इससे, यहाँ से आपका करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स की फिगर निकल के आ जाएगी जो आपको अदरवाइज पता नहीं चल रही थी। सो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है आपका, प्रोविजन फॉर टैक्स की फिगर है। अब इस इंफॉर्मेशन को कहाँ कहाँ पे आप दिखाओगे, टैक्स पेड माइनस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, माइनस कर दोगे एज टैक्स पेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, और ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंसिंग फिगर आया, प्रोविजन फॉर टैक्स जो है ये आपका, इसको आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे नेट प्रॉफिट में। और ये है क्या, दिस इज प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल थर्ड। आपको प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है 20,000 का और यहाँ है 30,000 का। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको गिवन है यहाँ पे दैट ₹50,000 वॉज चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2016। अब बताना है आपको कितना कैश आपका यूज हुआ है। तो देखिए, ये आपने 50,000 का आपको अब की बार क्या दे दिया, आपको टैक्स पेड नहीं दिया, ये आपने आपको प्रोविजन फॉर टैक्स की फिगर दी है क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, बना लीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट अगेन, वहाँ से आपका टैक्स पेड की फिगर निकल के आ जाएगी। बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, बैलेंस कैरी डाउन 30,000। ये आपको गिवन है, कितने का आपने अब की बार प्रोविजन बनाया है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज प्रोविजन मेड 50,000 का। And this balancing figure that you get now will be your tax paid. Bank account balancing figure, what is it? This is the tax paid 40,000. अब कौन सी information को कहाँ present किया जाएगा, ये क्या है आपका, tax paid है, तो minus कर देंगे इसको operating activities में। और ये 50,000 क्या है, ये है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो ये हमने प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड कुछ सिनेरियोज देखे। आगे हम देखते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड।
प्रपोज डिविडेंड का क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड को करंट ईयर प्रॉफिट्स के अंदर ऐड कर देंगे, और जितने की भी आपने पेमेंट करी है उसको आप क्या करोगे, यू विल शो इट एज एन आउटफ्लो ऑफ कैश इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो दो चीज़ें होंगी, एक तो आप ऐड करोगे अमाउंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड, टू करंट ईयर्स प्रॉफिट, एंड दूसरा लेस करोगे जितने की भी आपने पेमेंट करी है डिविडेंड की, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर आउटफ्लो ऑफ कैश इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, प्रोसीजर सेम रहेगा अलग अलग सिचुएशंस के लिए, जैसा हमने प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए किया। आगे हम देखते हैं इससे कैश फ्लो स्टेटमेंट की लास्ट एडजस्टमेंट, प्रोविजन अगेंस्ट करंट एसेट्स। प्रोविजन अगेंस्ट करंट एसेट्स, जैसे कि डेटर्स के अगेंस्ट प्रोविजन हो सकता है आपका, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आपका, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो सकता है, प्रोविजन फॉर लॉस ऑन स्टॉक हो सकता है। ठीक है, तो अब दिक्कत इसमें क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है इन आइटम से रिलेटेड कि इनको आप करंट आइटम्स मानोगे या फिर ये मेयर नॉन कैश चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं, इसको आप ट्रीट कैसे करोगे, अब हम ये देखते हैं। तो पहले तो ये है कि प्रोविजन अगेंस्ट करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या बेसिकली आप इंक्लूड करते हो। दीज इंक्लूड, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, एंड प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। तो जनरल ओपिनियन तो ये है कि ये करंट आइटम्स हैं। ठीक है, सो दिस द जनरल ओपिनियन इज दीज आर करंट आइटम्स। अब इसको दिखाने के दो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हैं, दो ऑल्टरनेटिव तरीके हैं इसको दिखाने के। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कौन कौन से हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, ये आपको दे रखा है सपोज 1 जनवरी 2015 एंड दिस इज 31 दिसंबर 2015। आपको डेटर्स गिवन है 20,000 के बिगनिंग में और 30,000 के एंड में, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है आपको 2000 का बिगनिंग में एंड 4000 का एंड में। तो पहला ऑल्टरनेटिव आपके पास इसको दिखाने का है, आप लीजिए डेटर्स एट द बिगनिंग, दैट इज एज एट 1 जनवरी 2015, 20,000 का, उसमें से माइनस कर दीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू थाउजेंड का नेट अमाउंट ले लिया आपने 18,000। सिमिलरली आप डेटर्स एट दी एंड के लिए निकाल लीजिए, डेटर्स एट दी एंड एज एट 31 दिसंबर 2015, 30,000 के आपके डेटर्स हैं, माइनस कीजिए इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये है आपका 4,000 का, और नेट अमाउंट आ गया आपका 26,000 रुपीस। इसको आप कैसे दिखाएंगे, देखिए चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसे दिखाएंगे आप इसको,
डेट इज़ आपके 2000, आपके बिगनिंग में थे 2015 बिगनिंग में 18,000 के, 2015 एंड में आपके डेटर्स हैं 26,000 के, ठीक है। ये आपके हैं डेटर्स। नेट इंक्रीज़ कितना आया इसके अंदर? इंक्रीज़ आया 8,000 का। तो आप क्या दिखाएंगे? नेट इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल दिखा दीजिए 8,000 रुपीज़ का। तो ये इसका पहला ट्रीटमेंट था दिखाने का, नेट इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल इज रुपीज 8,000। सो 8,000 क्या होगा? इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इंक्रीज है ना, तो डिडक्ट करोगे, डिडक्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये इसका पहला ऑल्टरनेटिव था। दूसरा ऑल्टरनेटिव इसका ये हो सकता है कि आप ग्रॉस फिगर के अंदर दिखा दीजिए डेटर्स को, ठीक है। तो क्या करोगे? डेटर्स को आपने ग्रॉस फिगर में दिखाया, करंट एसेट्स के सेक्शन में, तो कॉरस्पॉन्डिंगली आपने प्रोविजंस को कहाँ दिखाओगे? ग्रॉस फिगर्स पे करंट लायबिलिटी सेक्शन के अंदर दिखा दीजिए। तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज आपके डेटर्स का जो है वो आपके वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करेगा, और उसी तरीके से नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द फिगर ऑफ प्रोविजन विल ऑल्सो अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल। तो इस तरीके से आपका इफेक्ट जो आएगा वो सेम निकल के आएगा जो आपका ऑल्टरनेटिव वन के अंदर निकल के आएगा। तो दोनों में से कोई भी मेथड को फॉलो किया जा सकता है। तो ऑल्टरनेटिव टू में क्या बोला हमने? द डेटर्स मे बी शोन एट ग्रॉस फिगर्स इन करंट एसेट सेक्शन एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन मे बी शोन एट ग्रॉस फिगर इन करंट लायबिलिटी सेक्शन, ठीक है। और इसका नेट इंक्रीज और डिक्रीज सेम निकल के आएगा अमाउंट जैसा आपका ऑल्टरनेटिव वन के अंदर निकल के आया था, ठीक है। तो ये हमने दोनों ऑल्टरनेटिव्स देखे, ऑल्टरनेटिव वन और ऑल्टरनेटिव टू। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है कि अगर आपकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट के अंदर जो डेटर्स गिवन है वो गुड डेटर्स हैं, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ प्रोविजन जो है डाउटफुल डेट्स का उसको आप नॉन करंट आइटम क्लासीफाई करोगे, देन उसको करंट आइटम क्लासीफाई नहीं किया जाएगा। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट्स देख चुके हैं, तो अब एक फुल फ्लेज क्वेश्चन हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द बैलेंस शीट्स ऑफ एम लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च 2016 एंड 31st मार्च 2017 वर एज फॉलोस। लायबिलिटीज दे रखी है 2016-2017, शेयर कैपिटल 3 लाख 4 लाख, जनरल रिजर्व 1 लाख 30,000, 2 लाख 24,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000, 1 लाख 50,000, लॉन्ग टर्म लोन 2016 में था 1 लाख, 2017 में नहीं है मतलब आपने पेमेंट कर दी है, क्रेडिटर्स 90,000, 70,000 हो गए हैं 2017 में, बिल्स पेबल 35,000, 40,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 65,000 एंड 85,000 इन 2017। एसेट साइड में है हमारे पास गुडविल 2016 में नहीं थी, 2017 में 24,000 है मतलब परचेज करी है गुडविल हमने, प्लांट एंड मशीनरी 2,20,000 एंड 2,75,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2,15,000, 1,95,000, इन्वेस्टमेंट 75,000, 40,000, स्टॉक 1,46,000, 2,10,000, डेटर्स 1,10,000, 1,62,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 15,000 एंड 32,000 एंड कैश एट बैंक 19,000 एंड 31,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके पास, फर्स्ट है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017 एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ रुपीज 30,000 एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ रुपीज 40,000 वर पेड। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग रुपीज 35,000 वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ रुपीज 7,000। थर्ड पॉइंट,
इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग करंट ईयर अमाउंटेड टू ₹10,000, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ₹20,000 एंड ऑन प्लांट एंड मशीनरी ₹25,000। लास्ट पॉइंट एडजस्टमेंट का, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, द कंपनी मेड अ प्रोविजन ऑफ ₹70,000 फॉर इनकम टैक्स। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज। तो चलो हम इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है एम लिमिटेड। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2017। तो सबसे पहले आप शुरुआत कहाँ से करते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में? आप स्टार्ट करते हैं आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। अब वो तो क्वेश्चन में डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस जितना भी है यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा क्वेश्चन का। तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? 1,50,000 माइनस 80,000। 1,50,000 माइनस 80,000, 70,000 रुपीस। क्या क्या ऐड करेंगे इसके अंदर? एक तो अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरिम डिविडेंड पेड एंड आपका फाइनल डिविडेंड पेड। ये चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है? 2,24,000 माइनस 1,30,000। ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व 94,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 70,000 फॉर इनकम टैक्स। सो प्रोविजन फॉर टैक्स है आपका 70,000 रुपीज। इंटरिम डिविडेंड पेड 31st March 2017 एंड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 30,000 एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹40,000 वर पेड। सो इंटरिम डिविडेंड वॉज 30,000 प्लस फाइनल डिविडेंड पेड। कितना? 40,000। दिस विल गिव यू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ₹3,04,000। अब आप क्या करोगे? अब आप एडजस्टमेंट करोगे किसके लिए? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए। निकालिए एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो ऐसा करते हैं, एक एक आइटम को उठाते जाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिससे भी वो रिलेटेड होगा उसको हम वहाँ पे प्लेस करते चलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ स्पेस छोड़ देते हैं हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम बी, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
एंड थर्ड कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो एक एक आइटम को पिक करते जाते हैं और उसको हम लोग डील करते जाएंगे। देखिए सबसे पहले शेयर कैपिटल 3 लाख का था 2016 में, 2017 में हो गया 4 लाख का। मतलब आपने नए शेयर्स इशू किए हैं, सो दिस इज इशू ऑफ शेयर्स, पैसा आएगा, इनफ्लो है आपके लिए एंड दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले देखिए पहली आइटम आपकी किसकी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। आ जाइए इशू ऑफ शेयर्स कितने से बड़ा था, 1 लाख रुपए से। सेकेंड आइटम देखते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी हम देख चुके हैं। लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख रुपीज़ का था 2016 में, 2017 में नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ अ रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। क्या होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आउटफ्लो, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन नेगेटिव 1 लाख। आइए थर्ड आइटम, नेक्स्ट आइटम सॉरी, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएंगे आपके, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। तो साथ के साथ इसे करते हैं, एडजस्टमेंट्स छोड़ देते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए, जैसे ही आएंगी इनको हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इन आइटम्स को एडजस्ट करने के बाद क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके अंदर आप एडजस्टमेंट करोगे वर्किंग कैपिटल की। देखिए एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, कौन कौन सी एडजस्टमेंट करते हो आप, ऐड करते हो डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और आप माइनस क्या करते हो, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो इसी के हिसाब से हम चलते हैं आगे। तो सबसे पहला आइटम था आपके पास क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के अंदर देखो क्या हो रहा है, 90,000 के थे अब 70,000 के रह गए, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो आप क्या करेंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस हो जाएगी। सो क्रेडिटर्स 20,000 से आपके कम हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा 20,000 रुपीस। आगे है बिल्स पेबल, 35,000 थे 40,000 हो गए, इंक्रीज हो रहे हैं 5,000 से, ऐड हो जाएगा बिल्स पेबल 5,000। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स। इसके लिए अलग से अकाउंट बनाएंगे, इस आइटम को अभी के लिए छोड़ देते हैं। आगे है गुडविल, 2016 में नहीं थी और 2017 में है 24,000। मतलब गुडविल आपने परचेज करी है, सो कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप इसको माइनस कर दोगे, दैट इज एन आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या है ये आपके पास, परचेज ऑफ गुडविल, अमाउंट है 24,000 रुपीस। नेक्स्ट आइटम प्लांट एंड मशीनरी, 2,20,000 था और अब कितना हो गया, 2,75,000। और इसके ऊपर हमारी एक डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट थी, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी रुपीस 25,000। तो इसका अकाउंट बना के देख लेते हैं कितना परचेज है, कितना सेल है। आइए सो पहला वर्किंग नोट हम देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट,
बैलेंस ड्रॉ डाउन 2,20,000, बैलेंस कैरिड डाउन 2,75,000 और डेप्रिसिएशन कितना था 25,000 का। ये क्या है आपका डेप्रिसिएशन, कौन सी साइड में बैलेंस आ रहा है, डेबिट साइड में, दैट मीन्स देर इज अ परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है, 3 लाख, 3 लाख कैश या बैंक परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना 80,000 का। ये कहाँ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में और ये कहाँ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो सबसे पहले आ जाइए आपका एडजस्टमेंट, पहला डेप्रिसिएशन कितना 25,000, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी आपका डेप्रिसिएशन दे रखा था 20,000 का, 20,000, 45,000 का टोटल डेप्रिसिएशन, और आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कहाँ से आया ये हमने निकाल के दिखाया वर्किंग नोट 1 के अंदर, कितना निकल के आया था 80,000 रुपीस। नेक्स्ट आइटम पे आते हैं, ये हो गया प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग 2,15,000, 1,95,000 और डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग पे 20,000 का। इसका भी अकाउंट बना के देख लेते हैं हम, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,15,000, बैलेंस कैरिड डाउन 1,95,000, डेप्रिसिएशन इसके ऊपर था 20,000 का, जो हम ऑलरेडी इसकी एंटर कर चुके हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, एंड दिस इज बैलेंसिंग, देयर इज नीदर परचेज नोर सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये ऑलरेडी आप एंटर कर चुके हो कैश फ्लो स्टेटमेंट में, अब इससे रिलेटेड हमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आइटम पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट्स 75,000 की थी 2016 के अंदर, 2017 में हो गई 40,000 की, क्या किया आपने, सेल कर दिया इन्वेस्टमेंट्स को, राइट। तो ये भी देख लेते हैं एक बार, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या, हाँ, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज़ 35,000 वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ रुपीज़ 7,000, अच्छा 7,000 के लॉस के ऊपर आपने सेल किया है, अकाउंट बना लीजिए इसका भी। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000, बैलेंस कैरेट डाउन 40,000, सेल कितने की करी है आपने, कैश सेल 7,000 के लॉस पे बेचा था, 35,000 माइनस 7,000 28,000 की आपने सेल करी है और लॉस कितना हुआ है आपका 7,000 रुपीज़ का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल। ये कहाँ जाएगा ऑपरेटिंग के अंदर, 75,000 एंड 75,000, अगेन परचेज नहीं है यहाँ पे कुछ भी, सेल 28,000 इन्वेस्टिंग के अंदर एंड ये लॉस ऑन सेल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वर्किंग नोट 3, 28,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पे आ जाते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेवन थाउजेंड ऐड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट आइटम पे, इन्वेस्टमेंट हो गया स्टॉक, करंट एसेट है आपका
146,000 का था, अब कितना हो गया है? 210,000, बढ़ गया है आपका स्टॉक 64,000 से। सो दैट मीन्स इंक्रीज इन करंट एसेट। क्या करेंगे? माइनस करेंगे आप स्टॉक 64,000। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक के बाद डेटर्स। 110,000 के थे, 162,000 के हो गए हैं। डेटर्स भी बढ़ गए हैं, करंट एसेट के अंदर इंक्रीज, अगेन माइनस आइटम 52,000। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। 15,000 के थे, 32,000 के हो गए हैं, 17,000 से प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके बढ़ गए हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस 17,000 माइनस। आगे देखते हैं आगे क्या आइटम बचा है। अब है हमारा कैश एट बैंक, इसको हम बाद में करेंगे। अच्छा, अब एक एक आइटम एडजस्टमेंट्स की उठाते जाते हैं और एक प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा अभी डील करना बचा हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 30,000 एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 40,000 वर पेड। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जाएगा आपका। चलिए इसको लिखते हैं इंटरिम डिविडेंड पेड। एंड फाइनल डिविडेंड पेड। थर्टी थाउजेंड का इंटरिम डिविडेंड पे किया और 40,000 का फाइनल डिविडेंड पे किया। ठीक है, पहली एडजस्टमेंट हमारी पूरी हो गई है। सेकेंड एडजस्टमेंट हमने कर ली थी इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज़ 35,000 वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 7,000, ये हमने देख लिया था। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर अमाउंटेड टू रुपीज़ 10,000, इसको हमने अभी कंसिडर नहीं किया है। सो दिस इज़ योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, कितने का इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है? 10,000 का। तो कैश इनफ्लो है आपका, रिसीव कर रहे हो आप। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन चार्ज। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हम कर चुके हैं एंट्रीज। द कंपनी मेड अ प्रोविजन ऑफ 70,000 फॉर इनकम टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस और देख लेते हैं कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स का। 65,000 एंड 85,000, और कंपनी ने इस बार का प्रोविजन बनाया 70,000 का। ठीक है, सो बैलेंस ब्रॉट डाउन 65,000, बैलेंस कैरेट डाउन 85,000, करंट ईयर प्रोविजन जो कंपनी ने बनाया है वो बनाया है 70,000 का। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 70,000, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,35,000, 1,35,000, दिस इज टैक्सेस पेड, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। कितना? 50,000 के टैक्सेस की आपने पेमेंट करी है। ठीक है, तो ये लास्ट आइटम था। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अब आप नोट डाउन कर चुके हो। ठीक है, तो आ जाइए टोटल करते हैं आपके टैक्स को। अभी हम लोग लिख देंगे 3,04,000 एडजस्टमेंट आपने कर दिए दोनों। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपने यहाँ पे नहीं डाला। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स 10,000, दिस विल गिव यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 3,46,000। अब आपने एडजस्टमेंट कर दिए वर्किंग कैपिटल चेंजेस की, सारी की सारी ये एडजस्टमेंट आपने यहाँ पे कर दी है। दिस विल गिव यू कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस
1,98,000। अब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से आप माइनस करेंगे क्या टैक्स पेड, ये आपने निकाला है वर्किंग नोट 4 के अंदर 50,000 रुपीज़ की, एंड दिस विल गिव यू नेट कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ₹1,48,000। आगे आता है हमारा कैश फ्लोस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेगेटिव ऑफ 66,000। दिस इज नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है हमारे पास आगे, दिस इज नेगेटिव 70,000। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीनों को ऐड कर देंगे, दैट विल गिव यू नेट इंक्रीज इन कैश, ए प्लस बी प्लस सी 12,000। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट बिगनिंग, बिगनिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कितना था 19,000, और फिर ये फिगर आपकी निकल के आनी चाहिए 31,000 के बराबर। सो 19,000 आपने ऐड किया कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट बिगनिंग, दिस विल गिव यू कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट एंड कितना 31,000। ये आपके बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंस के साथ मैच करेगा। तो यहाँ पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट ख़त्म करते हैं।